साइकोपैथ एक ऐसा ट्रेट जिसे रिसर्चर्स आज भी रिसर्च कर रहे हैं। अगर इसकी बुकिश डेफिनेशन निकाली जाए तो एक ऐसा ट्रेट है जो इंसान को अनसेंसिटिव, अनइमोशनल एंड मॉरली डिप्राइव्ड बना देता है। एक साइकोपैथ को किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं होता, इंसानों से भी नहीं। इसी वजह से वो कोई काम करने से पहले, कोई एक्शन लेने से पहले सोचते नहीं है, फिर चाहे वो मर्डर जैसे सीरियस काम ही क्यों ना हो। एक साइकोपैथ अपनी रियलिटी से इतने आउट ऑफ टच होते हैं कि उसे पता ही नहीं होता कि वो जो काम कर रहा है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, वो किसी को दर्द पहुंचा रहा है। ऐसे ही एक मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने पेशेंट को एक डरे हुए इंसान की तस्वीर दिखाई, बस ये देखने के लिए कि वो उस फोटो को देखकर कैसे रिएक्ट करता है। वो कहता है कि मुझे इस इमोशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन जब मैं लोगों को मारता हूं, उन्हें स्टैब करता हूं, तो मरने से पहले वो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। और ऐसी ही एक कहानी है अमरजीत सदा की, लेकिन इस कहानी में मर्डरर महज 8 साल का एक छोटा बच्चा है जिसने एक या दो नहीं बल्कि 3 मर्डर्स किए थे और सारे विक्टिम्स की एज 6 साल से भी कम थी। बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मुसहरी। इस गांव की एक खासियत है कि इस गांव में काफी बच्चे हैं जो एक साथ खेलते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। इस गांव के लोग दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। वो हर सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ आते हैं और काम खत्म करके शाम को उन्हें लेने जाते हैं। और ऐसा ही कुछ होता है चुनचुन देवी की 6 की बेटी खुशबू के साथ। चुनचुन देवी हर सुबह खुशबू को स्कूल छोड़ आती और शाम को लेने जाती। लेकिन एक दिन जब चुनचुन देवी अपनी बेटी को लेने गई तो उन्हें वहाँ अपनी बेटी कहीं नजर नहीं आई। अब माँ है, परेशान तो होंगी ही। अब इतनी छोटी बच्ची गुम हो गई तो एक माँ पर क्या गुजरेगी आप समझ ही सकते हैं। वो परेशान हो जाती हैं, वो पागल हो जाती हैं। हर किसी को पूछती हैं कि क्या आपने मेरी बेटी को देखा है, क्या आपने खुशबू को देखा है, लेकिन किसी ने उसको नहीं देखा था। और फिर एक सदा परिवार का मेंबर उसके पास आता है और कहता है कि शायद उसे पता है कि खुशबू कहाँ है। और वो दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और इस गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। अब क्योंकि एक छोटी बच्ची का केस था तो पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ये रियलाइज होता है कि ऐसे ही सिमिलर इंसिडेंट्स पहले भी काफी ज्यादा रिपोर्ट किए जा चुके हैं, क्योंकि गांव से ऑलरेडी 2 लड़कियां गायब हो चुकी थीं। जब और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जाती है तब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां सदा परिवार की मेंबर थीं। धीरे धीरे गांव वालों को ये बात पता चलती है कि गांव से 2 नहीं बल्कि 3 लड़कियां गायब हो चुकी थीं और पूरे गांव में दहशत मच जाती है। अब सदा परिवार का वो मेंबर जो पुलिस की मदद कर रहा था वो उन्हें प्लेग्राउंड ले जाता है, जहाँ पर पुलिस पहली बार 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से मिलती है। वो उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुमने खुशबू को देखा है, तो बच्चा कुछ कहता नहीं है, बस स्माइल करता है। अब किसी वजह से पुलिस को लगता है कि इस बच्चे को शायद कुछ पता है, शायद इसने किसी को देखा है जो खुशबू को उठाकर ले गया हो। इसी वजह से इस बच्चे को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस स्टेशन में अमरजीत का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में कोई भी बच्चा डरेगा, लेकिन अमरजीत का केस बिल्कुल डिफरेंट था। वो पुलिस स्टेशन में बिल्कुल भी नहीं डरता, इनफैक्ट वो स्माइल करता है, वो चीजों को ऑब्जर्व करता है। और अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है तो वो कहता है कि पहले आप मुझे बिस्किट दिलाओ, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फाइनली फिर एक पुलिस ऑफिसर उसे एक बिस्किट का पैकेट देते हैं। अमरजीत खुश होकर कहता है कि हाँ, उसे पता है खुशबू कहाँ है। वो कहता है कि खुशबू अब मर चुकी है और उसे यह सब इसलिए पता है क्योंकि उसी ने खुशबू को मारा है। अब यह सब देखकर पुलिस के लिए यह जानना बहुत जरूरी हो गया था कि अमरजीत ने यह किया कैसे। इस पर अमरजीत कहता है कि वो स्कूल में था जब उसने खुशबू को देखा, वो अकेली थी तो अमरजीत उसे वहां से उठा लाया, फिर झाड़ियों के बीच ले जाकर उसने उसका गला घोटने की कोशिश की। लेकिन वो कहता है कि जब वो उसका गला घोट रहा था तब उसे मजा नहीं आ रहा था, उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, उसे खुशबू की आंखों में दर्द देखना था, मजबूरी देखनी थी, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए वो उसे छोड़ एक ईंट उठाकर लाता है और उसे तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाती। यह सुनकर पुलिस शॉक में आ जाती है। अमरजीत का केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। उसका जन्म 1998 में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक मजदूर और माँ एक हाउसवाइफ थीं। पैसे नहीं होने की वजह से उसके परिवार ने सोचा कि वो मुसहरी गांव में शिफ्ट होंगे। उस वक्त अमरजीत की उम्र 6 साल थी, लेकिन गरीब होने की वजह से अमरजीत बचपन से ही अपने आप को, अपनी फैमिली को अब्यूज होते हुए देख रहा था और यह उसके दिमाग में एक बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा था। अमरजीत एक डिस्टर्ब चाइल्ड था, उसके अंदर हमेशा से ही एक वायलेंट स्ट्रीक, एक मर्डर वाली स्ट्रीक थी। वो लोगों
से झगड़ता था, उनसे बदतमीजी करता था, उनके साथ हमेशा हाथापाई करता और इस चीज की फ्रीक्वेंसी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अमरजीत के इस बिहेवियर के बारे में ना कि सिर्फ उसके परिवार को बल्कि गांव वालों को भी पता था। इनफैक्ट उसके परिवार वालों ने उसके इस वायलेंट स्ट्रीक को एक्सपीरियंस भी किया था। जो दो लड़कियां इस फैमिली से गायब हुई थी उन दोनों का मर्डर भी अमरजीत ने ही किया था। उनमें से एक अमरजीत की चचेरी बहन जो 6 साल की थी और दूसरी अमरजीत की सगी बहन जो कि सिर्फ 6 महीने की थी। लेकिन सबसे पेनफुल बात यह है कि अमरजीत ने इन दोनों बच्चियों को भी उतनी ही बेरहमी से मारा जिस तरीके से उसने खुशबू का कत्ल किया था। एंड सबसे दुख की बात यह थी कि अमरजीत के परिवार वाले ये सब जानते थे, उन्हें ये सब पता था कि इन सब के पीछे अमरजीत का हाथ है, लेकिन किसी वजह से उन्होंने यह डिसाइड किया कि वो इस बात को सबसे छुपा कर रखेंगे और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बिकॉज 2008 में खुशबू के मर्डर के बाद अमरजीत इंडिया के इतिहास में सबसे छोटा सीरियल किलर बन जाता है। अमरजीत के इस कन्फेशन के बाद कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस पर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि जानना बहुत जरूरी था कि इस बच्चे ने ऐसा क्यों किया। अमरजीत एक क्रिमिनल नहीं था, राइट? इसके घर पर ना तो टीवी थी ना रेडियो था जिससे कि क्राइम के बारे में जान सके या सुन सके, और ना ही इसके घर में कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से था। तो फिर अमरजीत ने ऐसा क्यों किया? क्या उसके अंदर ये वायलेंस स्ट्रीक हमेशा से ही थी? एक साइकोलॉजिस्ट ने अमरजीत को सैडिस्ट कहा, जिसको लोगों को मारकर प्लेजर मिलता है और ये हैबिट इसके ब्रेन में ऑलरेडी बन चुकी है। किसी को भी मारने से पहले इसे किसी इन्फ्लुएंस या ट्रिगर की जरूरत नहीं होती। एक और साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर है, जो एक बिहेवियर डिसऑर्डर होता है जिसमें किसी भी इंसान को सोशल कंडक्ट नहीं होता। मतलब कि आप एक नॉर्मल बिहेवियर छोड़कर एक परसिस्टेंट रिपीटेटिव एंड अग्रेसिवनेस दिखाते हैं। यह डिसऑर्डर कई सारे टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में पाया जाता है, लेकिन इस बार एक 8 साल के बच्चे में इस डिसऑर्डर को देखना बहुत ही डिस्टर्बिंग था। अब क्योंकि अमरजीत एक 8 साल का बच्चा है तो एज पर इंडियन लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी इंसान 18 साल से नीचे है तो उसे जेल नहीं हो सकती। जब तक वो 18 साल का हुआ तब तक वो एक चाइल्ड केयर होम में था, और जैसे ही वो 18 साल का होता है उसे रिहा कर दिया जाता है। आज अमरजीत कुछ 24 साल का होगा और 2015 में ये सुनने में आया था कि अमरजीत एक नए नाम के साथ एक नए शहर में एक नई जिंदगी जी रहा है। लेकिन वो इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है, किस हालात में है, क्या सोच रहा है, यह किसी को नहीं पता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि अब आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए।